हर हर महादेव दोस्तों, आज मेरे ब्रह्मचर्य का दोस्तों 14वां दिन है और आज फिर मैं भोलेनाथ की कृपा से 3:55 पर टाइम से उठ गया था। बताऊंगा कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्लान करें। ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैंने करीब 1 साल पहले की थी तो मुझे कुछ समस्याएं भी आई थी और बहुत कुछ जो मैं प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत आसानी भी हुई। मेरा नाम राहुल गौतम है और मैं मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूं और फिलहाल मैं कोची केरला में जॉब कर रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कहां से स्टार्ट करें? तो वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कभी भी की जाती है, दर्शन किए जाते हैं तो दक्षिण से पूर्व की ओर जाते हैं। यदि आप नॉर्थ से आ रहे हैं तो गंगा जी से जल लेके आइए और सीधा रामेश्वरम आइए और रामेश्वरम में जल चढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि गंगा जी का जल रामेश्वर में यदि चढ़ा दिया जाए तो उससे सारे पापों की मुक्ति मिलती है और बहुत बड़ा फल मिलता है। या फिर आप सोमनाथ से गुजरात से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, सबसे पहले आप रामेश्वरम आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद आप दर्शन कीजिए, समुद्र में नहाइए और वहाँ पर कुछ 12 कुएँ हैं, उन 12 कुएँ से आप स्नान करके रामेश्वरम में मंदिर के सामने जो समुद्र है, मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर भी दूरी नहीं है, 300 मीटर की दूरी पर ही सामने समुद्र है। आप वहाँ पर स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद यदि आप घूमना चाहते हैं तो धनुषकोडी जा सकते हैं, जहाँ से हनुमान जी लंका गए थे वो जगह भी है और जहाँ से राम सेतु पुल बना था, स्टार्ट हुआ था, उस जगह को धनुषकोडी बोलते हैं। आप वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा व्यू वहाँ पर आता है। समुद्र के बीच में हो गया रास्ता जाता है, एक रोड बना हुआ है करीब 30-40 किलोमीटर। वहाँ पर बीच में विभीषण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, इस तरीके से बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। रामेश्वरम से दर्शन कर लिए फिर आप चले जाइए मल्लिकार्जुन। रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन जाने के लिए रामेश्वर है तमिलनाडु में तो मल्लिकार्जुन है आंध्रा में। तो आप रामेश्वरम से मदुरई आएंगे, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है और मीनाक्षी मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आप चले जाइए मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जाने के लिए आप तिरुपति होके जा सकते हैं, आप तिरुपति जाइए, वहाँ से फिर ट्रेन चेंज कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन मनकापुर करके एक रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। यदि आप हैदराबाद से जा रहे हैं या फिर आप इधर से बस लेकर भी जा सकते हैं, हैदराबाद से करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। रामेश्वरम से दर्शन कर लिए फिर आप चले जाइए मल्लिकार्जुन। रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन जाने के लिए रामेश्वर है तमिलनाडु में तो मल्लिकार्जुन है आंध्रा में। तो आप रामेश्वरम से मदुरई आएंगे, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है और मीनाक्षी मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आप चले जाइए मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जाने के लिए आप तिरुपति होके जा सकते हैं, आप तिरुपति जाइए, वहाँ से फिर ट्रेन चेंज कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन मनकापुर करके एक रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। यदि आप हैदराबाद से जा रहे हैं या फिर आप इधर से बस लेकर भी जा सकते हैं, हैदराबाद से करीब 5 से 6 घंटे। मल्लिका बोलते हैं पार्वती जी को और अर्जुन बोलते हैं शिव जी को, इसीलिए मल्लिकार्जुन नाम से वो ज्योतिर्लिंग है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शिव जी और पार्वती अलग अलग करके अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन रात को आते हैं। सीधे चलाए जाइए महाराष्ट्र के लिए। 2 ज्योतिर्लिंग हो गए आपके, रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन। तीसरा ज्योतिर्लिंग के लिए हैदराबाद से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी औरंगाबाद के लिए, तो संभाजी नगर जिसको बोलते हैं, तो आप औरंगाबाद महाराष्ट्र चले जाइए। औरंगाबाद से घृष्णेश्वर जो मंदिर की दूरी है मुश्किल से 30-40 किलोमीटर होगी, तो घृष्णेश्वर मंदिर जाइए। घृष्णेश्वर जो मंदिर है उनकी एक भक्ति घुषमा करके, तो उसने बहुत भारी तपस्या की थी तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वहाँ पर दर्शन दिए थे और ज्योतिर्लिंग के नाम में उन्हीं के नाम से घुषमा जो उनकी भक्त थी उनके नाम से वहाँ पर विराजमान हो गए। वहाँ से फिर आप चले जाइए डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए नासिक के लिए। तो आप चले जाएंगे नासिक में, त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ ने वहाँ पर प्रकट होकर अपना जो रूप था ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए थे, तो उस जगह को त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर एक तालाब है वहाँ पर स्नान करके, ऐसा बताते हैं गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया तालाब है वो, वहाँ पर स्नान करके आप त्र्यंबकेश्वर में भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। 3 ज्योतिर्लिंग आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, एक घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और एक आपके भीमाशंकर। 4था ज्योतिर्लिंग भी है जो हैं कि
वैजनाथ, आप वैजनाथ के दर्शन कर लेते हैं, जो कि वैजनाथ आपका त्र्यंबकेश्वर दर्शन हो गए नासिक में, आप त्र्यंबकेश्वर से आप फिर जाइए भीमाशंकर, भीमाशंकर पुणे की तरफ जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर जाने के लिए आप बस से जा सकते हैं, जो कि करीब 4 से 5 घंटे की दूरी है, करीब 200 किलोमीटर की दूरी है। तो पूना से 50 किलोमीटर पहले ही जब आप पूना वाले रोड पर बस से जाएंगे नासिक से, तो पूना से 50 किलोमीटर पहले ही आपको रुक जाना है, वहाँ से फिर बस जाती है जो कि करीब 1.5-2 घंटा लग जाता है, और जो बस जाती है भीमाशंकर के लिए वो ऊपर पहाड़ी है। आ जाइए, अब आपके कितने ज्योतिर्लिंग होंगे, 5, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, तो 5 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब आप वापस आ जाइए पूना, पूना या मुंबई चले जाइए, डायरेक्ट आप पूना जाने के लिए 50 किलोमीटर वहाँ से डिस्टेंस है पूना जाइए, या फिर मुंबई जाएंगे तो करीब 150 किलोमीटर वहाँ से मुंबई है, डायरेक्ट बस आपको मुंबई के लिए भी मिल जाएंगी, पूना के लिए भी मिल जाएंगी। तो आप पूना आ जाइए या मुंबई चले जाइए, फिर वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए और आप चले जाइए खंडवा, खंडवा के लिए ट्रेन पकड़िए वहाँ से, और खंडवा से आप चले जाइए ओंकारेश्वर, जो कि करीब 100 किलोमीटर है, ओंकारेश्वर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन कीजिए, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं किनारे पर, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, बहुत अच्छा ब्रिज है, आप दर्शन करके नहा धो करके धर्मशालाएँ में रुकिए, जो कि बहुत सस्ते रेटों में आपको ओंकारेश्वर में धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, 200 से 500 रुपये में कीजिए, जल चढ़ाइए और ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर आपको जाना है उज्जैन, उज्जैन जो कि महाकाल, महाकालेश्वर, उज्जैन जाने के लिए भी आपको करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आप आएंगे सबसे पहले इंदौर आएंगे, इंदौर से फिर उज्जैन जाएंगे, जैसे आप उज्जैन जाइए महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए, वहाँ पर भी रूम मिल जाएंगे आपको 1,800 रुपये में, कम से कम आपको रूम मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है महाकालेश्वर, बहुत बड़ा, जो कि महाकाल बोलते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ दर्शन कीजिए डायरेक्ट, वहाँ पर सामने भोलेनाथ बहुत बड़े रूप में विराजमान है ज्योतिर्लिंग में, और वहाँ पर आप महाकाल, एक महाकाल लोक करके एक बहुत सारी झांकियाँ बनाई हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, लाइटिंग रहती है शाम के समय, आप जब देखेंगे वो नज़ारा तो देखते ही रह जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये तो डायरेक्ट स्वर्ग लोक आ गया। इस तरीके से आप उज्जैन घूम लीजिए, आप हो गए, अब कितने हो गए आपके, 7 ज्योतिर्लिंग। वेरावल या सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, तो आप उज्जैन से सोमनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पर दर्शन कीजिए, सोमनाथ में आप दर्शन आराम से आधा दिन में भी, यदि आप सुबह पहुँचते हैं तो शाम तक दर्शन हो जाएंगे, 1-2 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं, शाम को आरती रहती है, रहने की भी वहाँ पर भी आपको 1,800 रुपये में आपको वहाँ पर धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी। के कर लिए, अब आपको जाना है द्वारका, द्वारका जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सोमनाथ से द्वारका जाने के लिए आप ट्रेन पकड़ लीजिए, शाम को बैठेंगे सुबह आप द्वारका पहुँच जाएंगे, द्वारका में उतरिए, वहाँ पर, वहाँ द्वारका में रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहीं से थोड़ी दूर पर ही आपको बस मिल जाएंगी, जो कि आपको द्वारका का पूरा टूर कराती हैं, द्वारका में नागेश्वर मंदिर है वहाँ पर जाएंगी, 200 रुपये करीब लेती हैं वो, 200 रुपये आपको नागेश्वर मंदिर घुमाएंगे, नागेश्वर मंदिर तो बिल्कुल द्वारका में ही है, और द्वारका से बैठ द्वारका जाने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, बस से आप बैठ द्वारका जाएंगे, बैठ द्वारका जाने के लिए जहाँ पर वो उतार देंगे वहाँ से आपको लॉन्च में, यानी कि जो नाव जो फेरी रहती है उसमें, फेरी जो रहती है उसमें आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर बैठ, अभी तो वहाँ पर पुल भी बन गया है, मोदी जी ने बहुत बड़ा पुल बनवा दिया है, तो आप इस तरीके से वहाँ बैठ द्वारका में दर्शन कर सकते हैं। अब बैठ द्वारका दर्शन करने के बाद वापस आप आ जाइए द्वारका, और द्वारका से आप सीधे चले जाइए बनारस, बनारस जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन, द्वारका से बनारस के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी है, द्वारका से अहमदाबाद जाइए, अहमदाबाद से डायरेक्ट बनारस के लिए ट्रेन मिल जाएगी, आप पहुंच जाइए बनारस, बनारस दर्शन कीजिए विश्वेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग के, गंगा जी में स्नान कीजिए, वहाँ पर दशाश्वमेध घाट है, आरती होती है, बहुत अच्छा वहाँ पर लगता है, वहाँ की लस्सी, वहाँ की चाय, वहाँ की कचौड़ी, ये सब बनारस का खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा फेमस है बनारस। फिर आप वहाँ से चले जाइए ट्रेन पकड़ के बैजनाथ के लिए दर्शन कीजिए, जो कि झारखंड में है, करीब बनारस से बैजनाथ जाने के लिए 7-8 घंटे लग जाएंगे, पटना होके भी जा सकते हैं और दूसरा रूट भी है, तो आप बनारस बैजनाथ के दर्शन कर लीजिए, बैजनाथ के दर्शन करने के बाद अब आपके टोटल हो गए 11 ज्योतिर्लिंग, अब आपके बचे केदारनाथ, केदारनाथ के लिए जाने के लिए आपको क्या करना है, बनारस से डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएगी जो कि हरिद्वार जाएगी, तो डायरेक्ट बनारस से हरिद्वार जाइए, हरिद्वार से आप गंगा जी स्नान कीजिए और हरिद्वार से सीधे चले जाइए आप कहाँ पर, केदारनाथ के लिए, जो कि हरिद्वार से ऋषिकेश जाना पड़ेगा,
हरिद्वार से भी कुछ बस मिल जाएंगी या ऋषिकेश से ही मिल जाएंगी, तो वहाँ से और वो ग्रुप में भी आपको घुमाते हैं। पूरा पैकेज रहता है 8 दिन का। यदि आप चार धाम यात्रा भी करना चाहते हैं उसी के अंदर, तो चार धाम यात्रा भी कर सकते हैं जो कि उत्तराखंड की है, जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये चारों जगह घुमाते हैं। सिर्फ आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ के लिए भी डायरेक्ट बस मिल जाएंगी, 4 दिन आपको केदारनाथ में लग जाएंगे। केदारनाथ आप जब भी जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ स्टार्ट होते हैं करीब जून में, और जून से लेके नवंबर तक करीब दिवाली तक लगभग केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का जो खर्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपका 30,000 रुपये खर्चा आप आ जाएगा यदि आप ट्रेन से रिजर्वेशन से जा रहे हैं, और रहने खाने का इसमें आपका 30,000 में रहने खाने ट्रैवलिंग का सारा खर्चा हो जाएगा। टाइम आपका कम से कम महीने भर लग जाएगा, 25 से 30 दिन में आप आराम से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। 25 से 30 दिन जल्दी से जल्दी है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करेंगे तो 25 दिन कम से कम चाहिए, और थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए तो 30-35 दिन भी लग जाएंगे, 40 दिन भी वैसे तो, या थोड़ा सा आपको रेस्ट चाहिए तो 40 दिन तो कम से कम मान लीजिए। लेकिन ज़्यादा जल्दी आप फास्ट घूमेंगे तो ज़्यादा नहीं रुकते हैं कहीं, तो 25 दिन में भी आप घूम सकते हैं। तो खर्चा जो आएगा कम से कम 30,000 रुपये, 25 से 30 दिन में आप जल्दी में घूम सकते हैं। मैं हर हर महादेव लिखते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा।